सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, हवाई पट्टी पर हुआ हार्दिक स्वागत। शिकारपुर में सीएम कमलनाथ ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात, कार्यकर्ताओं ने केक काटकर शुभकामनाएं दी। छिंदवाड़ा को मिली 1750 करोड़ की सौगातें, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा विकास कार्यों के लिए सीएम ने किया भूमि पूजन। और खूबसूरत और व्यवस्थित हुआ तिराहा, इंदिरा पथ पर शानदार स्मारक बना, सीएम ने किया प्रतिमा अनावरण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ आज सुबह निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे और पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों ने सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। अमित थोड़ा सा अमित अमित थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा संघर्षी लोग हमेशा की तरह आज भी सीएम कमलनाथ प्रेस से रूबरू हुए। छिंदवाड़ा में आवश्यकता थी, पूरी इस क्षेत्र की आवश्यकता थी, आसपास की जिले की आवश्यकता थी कि मेडिकल कॉलेज के साथ एक ऐसा अस्पताल हो जो छिंदवाड़ा के लोग, सिवनी, बैतूल के लोग, जो नागपुर जिनको जाना पड़ता है उसकी आवश्यकता ना पड़े, वो छिंदवाड़ा आए अपने ट्रीटमेंट के लिए और वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का हो जो देश में सबसे आगे सबसे गिने चुने वालों में से हुए। मेरी तो ये मंशा है कि अब जैसे ये बन जाता है तो नागपुर से लोग छिंदवाड़ा आएंगे अपना इलाज। सर, ऑरेंज सिटी की भी सौगात है, मतलब छिंदवाड़ा को नाम दिला रहे हैं। विकास यात्रा अंतहीन होती है। छिंदवाड़ा हवाई पट्टी के बाद सीएम कमलनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम निर्धारित था। अपने शेड्यूल कार्यक्रम से इतर उन्हें पता चला कि जिले के विभिन्न ग्रामों से ग्रामीण और कार्यकर्ता उनसे मिलने की आस में कमल कुंज पहुंचे हैं। लिहाजा सीएम कमलनाथ शिकारपुर पहुंचे और ग्रामीण किसानों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां कार्यकर्ताओं ने सीएम कमलनाथ के जन्मदिन की खुशी में केक का भी इंतजाम कर रखा था। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शानदार स्मारक और सीएम कमलनाथ को अपना तीसरा पुत्र मानने वाली इंदिरा जी की प्रतिमा का अनावरण भव्य समारोह में हुआ। सीएम कमलनाथ ने प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर जिले के सांसद, मंत्रीगण तथा कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ अधिकारी भी मौजूद थे। सभी की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। समाज पार्षद की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। सर सर सर
सर सर सर सर थोड़ा सा सर सर थोड़ा सा सर सर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, सर ऐसे सर थोड़ा सा सर सर थोड़ा सा खड़े ऐसे। अरे अरे मैडम हटाओ शेरू। हाँ मैडम पीछे रहो पीछे रहिए। अरे पीछे आना। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस CIMS का परिसर छिंदवाड़ा के विकास पथ पर एक और अहम कदम का गवाह बना। मेडिकल कॉलेज प्रांगण में आयोजित शानदार समारोह में CM कमलनाथ ने 1724 करोड़ की विकास मूलक सौगातें दी। मुख्य अतिथि CM कमलनाथ के साथ विशिष्ट अतिथि जिले के सांसद नकुलनाथ भी मौजूद थे। CIMS के अंतर्गत बनने जा रहे इस अस्पताल में लगभग 2091 बिस्तर की सुविधा होगी, जिसे भविष्य में होने वाले विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए 409 बिस्तर और बढ़ाने का भी प्रावधान है। इस प्रकार कुल मिलाकर इस अस्पताल में 2500 बिस्तर की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी सेवा के अंतर्गत न्यूरोलॉजी, उदर रोग, नवजात शिशु रोग विभाग और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का इलाज भी हो सकेगा। कार्डियक सेंटर में हृदय रोग की सभी बीमारियों का इलाज हो सकेगा। कार्डियक सेंटर के साथ कैथलैब का भी निर्माण होगा। यह भवन 9 मंजिला होगा और लगभग 1100 चार पहिया वाहनों की पार्किंग की भी सुविधा होगी। अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों को एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए लिफ्ट के साथ मशीन चलित सीढ़ी एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे। इमरजेंसी सुविधाओं के लिए भवन की छत पर हेलीपैड सुविधा भी होगी, यानी अस्पताल एयर एम्बुलेंस सुविधा युक्त भी होगा। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि यह सपना देखा तो मैंने था, लेकिन यह सांसद नकुलनाथ की जिद के कारण कम समय में पूरा हो पा रहा है। यह नए मध्य प्रदेश की दिशा में एक कदम है। अभी हम सबको मिलकर मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाना है, प्रदेश के विकास का एक नया इतिहास रचना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के प्यार और विश्वास से मिली आत्मशक्ति से हम वर्तमान की सभी चुनौतियों से लड़कर जरूर जीतेंगे और प्रदेश के विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। कार्यक्रम की शोभा बनाए रखें।
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। स्वागत करता हूं। साथ ही 2500 बेड का हॉस्पिटल जिसमें मेडिकल कॉलेज के 250 बच्चों न्यूरोनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कैंसर केयर, सभी जो प्रमुख विधाएं हैं जिसमें आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहां पर आधुनिकतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 40 साल पहले एक अवधारणा, एक कल्पना जो माननीय कमलनाथ जी की थी, जो न्यू 40 साल पहले रखने की सोच थी और रखी, उस पर यह इमारत खड़ी हो रही है। ये इमारत एक दिन गगन चुंबी बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। और अकेले छिंदवाड़ा के लिए नहीं, ये मध्य प्रदेश के लिए छिंदवाड़ा का विकास एक मॉडल बना था मध्य प्रदेश के लिए। और यही कारण है कि लोगों ने अटूट विश्वास इस जन आदेश के रूप में हमको दिया, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी को आशीर्वाद दिया। और मैं समझता हूं कि ये जन आदेश छिंदवाड़ा का मॉडल जो उनकी कल्पना को साकार कर गया, एक दिन मध्य प्रदेश भी देश में मॉडल बनेगा। उनके नेतृत्व में वो क्षमता है। छिंदवाड़ा की बात आती तो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बरसों से नागपुर के हर हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज करवाने भिजवा देते, लेकिन जब अड़ोस पड़ोस के जिले साफ देखते हैं बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी जब आती है किसी के ऊपर, तो वह आदमी ब्याज से पैसा लेता है, कर्जा उठाता है, और जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है मरीज और जब तक पैसा जमा नहीं करता गरीब आदमी, तब तक इलाज शुरू नहीं होता, उस समय उसकी क्या स्थिति रहती है आप सब लोग विदित है। लेकिन आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन गरीबों की आशाओं को मूर्त रूप देने के लिए छिंदवाड़ा ही नहीं, आसपास के मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, इन सारे जिलों के गरीबों की दुआएं आपके साथ होगी कि अब नागपुर में इलाज नहीं करेगा व्यक्ति, और एम्स जैसा हॉस्पिटल पूरे मध्य भारत का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जैसा हमारे नेता का कद है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, वैसा ये छिंदवाड़ा का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। एक अलग पहचान है हमारे नेता की, एक अलग कार्यशैली है, और ये अलग हॉस्पिटल मानवता की सेवा के लिए सबसे सर्वोपरि होता होगा। इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता है जो हमारे सांसद नकुलनाथ जी के जिन पे पीछे पड़ने के कारण साकार हो रहा है। हम सांसद जी को धन्यवाद देते हैं। एक ऐतिहासिक दिन है आज का दिन, छिंदवाड़ा के लिए तो ऐसे ऐतिहासिक है ही, लेकिन उससे ज्यादा ऐतिहासिक मेरे और मेरे परिवार के लिए है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज जो कमलनाथ जी और मैंने सपना देखा था, आज केवल अस्पताल का ही भूमि पूजन और शिलान्यास नहीं हो रहा, आज कमलनाथ जी और मेरे सपने का भी शिलान्यास और भूमि पूजन हो रहा है। हमारा ये सपना था, मेरा ये सपना था कि हमारे छिंदवाड़ा जिले से कोई नागपुर ना जाए अपना इलाज कराने, और कमलनाथ जी का सपना था कि हमारे बगल के जिले नरसिंहपुर हो, सिवनी हो, बालाघाट हो, उनको भी नागपुर जाने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि नागपुर के लोग हमारे छिंदवाड़ा में जिला में आए और अपना इलाज कर सके। जब मेडिकल कॉलेज खुला, मेडिकल कॉलेज की बड़ी मांग थी, तो जब मेडिकल कॉलेज खुला तो हमारे छिंदवाड़ा वासियों का पेट उससे भरा नहीं, तो उनकी एक और मांग होगी
कि मेडिकल कॉलेज के साथ एक विश्व स्तर का अस्पताल भी बनना चाहिए। जब ये अस्पताल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब ये 1200 बेड का था, फिर 1200 बेड से बढ़कर 1600 हुआ और अब 1600 से 2000, और एक्सपेंशन के लिए हमने 500 बेड 500 बिस्तर की सुविधा भी रखी है। और ये हम दोनों कमलनाथ जी और मेरा सपना है कि ये जो अस्पताल है ये केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्पताल बने। अगर हम छिंदवाड़ा की विकास की बात करें तो जैसा कि मैं कहता आया हूं ये केवल ट्रेलर ही नहीं, ये तो ट्रेलर की शुरुआत है, अभी पिक्चर बाकी है। अंत में मैं अपने छिंदवाड़ा वासियों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का जन्मदिन गया है 18 नवंबर को। हमने अपने अपने स्थानों पर अपने अपने लेवल से धूमधाम तरीके से हमने उनका जन्मदिन मनाया है, आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं विनती करता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करें और उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय कमलनाथ जी के जन्मदिन के एक दिन बाद हम सब की नेता जिनका आज हमने स्टेचू का जो अनावरण किया है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है, उनका कल जन्मदिन गया है। और मैं आपको वो समय याद दिलाना चाहता हूं जो फर्स्ट टाइम हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को श्रीमती इंदिरा गांधी जी छिंदवाड़ा लेकर आई थी और उस समय यह कहा था, यह इंटरव्यूज छिंदवाड़ा की जनता को और मतदाताओं को करवाया था कि आज मैं अपना तीसरा बेटा आप लोगों को सुपुर्द करके जा रही हूं, सौंप के जा रही हूं। और मैं समझता हूं कि माँ और बेटे के बीच के संबंधों का जो दायित्व का निर्वहन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बखूबी कर रहे हैं, हमें उनसे सबक और सीख लेना चाहिए कि माँ और बेटे के बीच के संबंधों को किस तरह से जो निभाया जा रहा है। बहुत बड़े स्टेचू का जो अनावरण जो किया है, मैं समझता हूं कि हम सबके लिए प्रेरणा और सीख लेने वाला मामला है और इस बात को बराबर वो निभाते आए हैं। तो आज फिर जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो छिंदवाड़ा के लिए जो किया जा रहा है उसमें आज फिर चार चांद लगा है। फिर उसमें जो उदाहरण जो बना है, जो चिकित्सालय, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी कार्डियक सेंटर, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये तो 1460 करोड़ का है ही है। इसके अलावा जिस विभाग का मैं भी नेतृत्व करता हूं, जैसे गृह और जेल जैसा विभाग मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दे रखा है, तो आज हमने आपको जेल जो नवीन जेल कॉम्प्लेक्स 224.68 करोड़ रुपए का 120 एकड़ जमीन में बनने जा रहा है। बहुत दिनों से ये प्रतीक्षारत था और इसके पहले की जो जेल जिला जेल 1883 से मात्र 470 केजियों की क्षमता वाली जेल थी, अब यह जो नवीन जेल कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें तीन प्रकार की जेल होगी। एक तो केंद्रीय जेल जिसकी क्षमता होगी 1000 केजियों की, जो जिनको सजा मिलती सजा यापी जो होते हैं 1000 केजी उसमें होंगे। जिला जेल भी होगी उस कॉम्प्लेक्स में, वो करीब 700 कैदियों की, जो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं वो 700 कैदियों की क्षमता होगी। और तीसरी जो जेल होगी ओपन जेल, वो 50 बंदियों की क्षमता वाली जेल होगी। जिन कैदियों का अच्छा आचरण होगा उनके लिए ओपन जेल होगी। ये लगभग 225 करोड़ रुपए का नवीन जेल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और आप सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद करते हैं, ये दोनों भूमि पूजन की बड़ी लगभग 1700 से 1800 करोड़ की जो सौगातें आप लोगों को जो मिली है ये तारीफ के काबिल है। और ये मैं बिल्कुल नकुलनाथ जी की बात से सहमत हूँ, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मैं ये कहूँ
आदरणीय मुख्यमंत्री से माफी मांगते हुए कि मुझे छिंदवाड़ा के लोगों की किस्मत पर जलन हो रही है। काश हम लोगों के जिले में भी ऐसे नेतृत्व होते तो हम लोगों के जिले भी कहां से कहां हो जाते हैं। लेकिन खुशी बात की भी है कि बहुत देर सवेर हमें ऐसा नेतृत्व मिला है प्रदेश को कि जो छिंदवाड़ा मॉडल के रूप में प्रदेश को ले जाने का विजन रखता है और जिनकी सोच है, ये नेतृत्व मिला तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि बहुत देर सवेर लेकिन ऐसा नेतृत्व प्रदेश की जनता को मिला है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रदेश की जनता को कि उन्होंने सही दिशा में सही निर्णय लेते हुए कांग्रेस की सरकार बनाकर आदरणीय कमलनाथ जी को नेतृत्व इस प्रदेश के अंदर किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ हायर एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन जैसा डिपार्टमेंट मुझे दिया है मुख्यमंत्री जी ने और ये टारगेट किया, ये हम लोगों को निर्देशित किया कि हमारा जो प्रदेश है पिछले 15 सालों से जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बिगड़ा हुआ प्रदेश था उसको सुधारने का यह अवसर है और तुम लोग पर एक जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश की जनता का अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये बात आप लोगों को सुनिश्चित करनी है। और उसी दिशा में पिछले एक साल से एक लहर से चल पड़ी है विकास की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में, दूसरा विभाग मेरे पास संस्कृति भी है, एक लहर थी, चाहे किसानों को कर्जा माफी की हो, चाहे गरीबों की सोच हो, एक लहर थी इस प्रदेश के अंदर चढ़ पड़ी है, विकास की गंगा बह रही है, लोगों को दिखाई दे रहा है, लोग इस बात को समझ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा भी और हम लोगों ने स्लोगन भी दिया मुख्यमंत्री जी कि बेहतर स्वास्थ्य सबका अधिकार, नई सौगात करें स्वीकार, ये हम लोग मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से आपको कह रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने छिंदवाड़ा में, मैं पिछले 2-3 दिन पहले आई थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया था कि तुम अपने कॉलेज और अस्पताल के साथ साथ वो चीज भी देखने आया जो मैंने स्किल डेवलपमेंट में किया है। मैं गया यहां देखा, मैंने ट्रेनिंग स्कूल देखे तो वाकई फिर कहूंगे कि आपकी तकदीर में आपके इससे मुझे जलन हो रही है कि काश हम लोग क्या भी होता, लेकिन होने जा रहा है, हम लोग सब इसी दिशा में आगे विकसित होते जा रहे हैं। मैं पुनः आप सबको नकुलनाथ जी हमारे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर राम टीके जी, हमारे प्रिंसिपल, हमारे प्रमुख सचिव विभाग के शिव शंकर शुक्ला जी, हमारे डीजीपी जेल्स संजय चौधरी जी, केवल मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं एक ऐतिहासिक दिन है, मेरे जीवन का भी एक ऐतिहासिक दिन है। मैंने कई सालों पहले मन में सोचा था कि यहां एक ऐसा अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज बने, 15 साल से तो कोई और सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, पर जब यूपीए की सरकार 2014 के आखिरी 2 महीने थे, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो केंद्र से हमारा छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई, और जब छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई इसके साथ साथ कैसा हॉस्पिटल बने, कैसा कैसी योजना बने, किस प्रकार का बने, ये पिछले 5 साल में बड़ी धीमी रफ्तार से चलता गया। हमारे छिंदवाड़ा की विकास यात्रा 40 साल पहले शुरू हुई थी, मुझे वो अक्टूबर नवंबर 79 का दिन भी याद है, जब मैं पहले चुनाव में 79 में पहले चुनाव में जहां ये सब खड़े हैं, ये बच्चे हैं, इनका जन्म भी नहीं हुआ था, जब मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, कैसा छिंदवाड़ा का निर्माण करना चाहते, चुनाव भी नहीं हुआ था, कितनी सड़कें थी, कितनी टंकियां थी, जगह जगह जाकर ये मैं सुनता था, और उस समय मैंने तय किया था कि छिंदवाड़ा का अगर इतिहास हमें बनाना है, बदलना है, तो मुझे खुद को यहां से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और
1980 से छिंदवाड़ा की विकास यात्रा शुरू हुई। 40 साल पहले हमारे 2000 गांव, हमारे इतनी बड़ी आदिवासियों की आबादी, ऐसे आदिवासी जिनको पता नहीं होता था कि वे राह का खाना कहां मिलेगा, जहां कॉलेज नहीं था, जहां स्कूल नहीं था, कोई तानिया में कॉलेज नहीं था, कोई बिछुआ में कॉलेज नहीं था, कितने स्कूल थे, लोग मांगते थे प्राइमरी स्कूल दे दो, प्राइमरी स्कूल दे दो, कहीं कहीं कहते थे मिडिल स्कूल दे दो, पानी की टंकी की मांग करते थे, कोई बड़ी मांग नहीं करते थे, कितनी पानी की टंकियां थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, ये सब संभव कैसे हुआ? ये संभव हुआ कि आपने जो मुझे प्यार और विश्वास दिया, मेरी जवानी से लेकर आज तक जो आप सबने मुझे प्यार दिया, विश्वास दिया, ये ऐसा कोई सांसद या राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा जिसको इतना प्यार और विश्वास मिला हो। संसद में तो 540 सांसद बैठते हैं, सही बात है ना, 540 सांसद बैठते हैं। मैं भी इतने साल आपने मुझे संसद में बिठाया, पर अंतर क्या था? बाकी जो थे वो तो वोट लेके आते थे, मैं प्यार और विश्वास लेके आता था, केवल वोट लेके नहीं आता था। और यही मेरी प्रेरणा थी, यही मेरी बलम शक्ति थी। मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी कि हाँ यहां टंकी बनेगी, मैंने घोषणा नहीं करी थी कि बड़ी रेल लाइन लगेगी, परासिया से छिंदवाड़ा तक और अब छिंदवाड़ा से नागपुर तक अगले जो 5 महीनों में कंप्लीट होने जा रही है, पूरी होने जा रही है, मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी। जब ये काम शुरू होने लगा तब सबको पता चला कि बड़ी रेल लाइन बन रही है। मैंने घोषणा कभी हाईवे की नहीं करी, मैंने तो शिलान्यास भी नहीं किया था, मैंने कहा था कि जब बन जाएगी, जब बनना शुरू हो जाएगी, लोगों को समझ आ जाएगी ये बात। मैंने कभी इस प्रकार के हॉस्पिटल की भी घोषणा नहीं करी थी। आज हमारे जिले की जेल का भी शिलान्यास किया, करीब 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, ये योजना बनी थी, ये प्रशासन ने बनाई थी, मुझे जानकारी मिली थी। जब उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की हम नई जेल बनाना चाहते हैं, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा छिंदवाड़ा के लोगों को जेल नहीं चाहिए, छिंदवाड़ा के लोग जेल जाने वाले नहीं है, तो हमें जेल की आवश्यकता नहीं है। पर अब जब जो आंकड़े आए कि केवल छिंदवाड़ा की जेल की बात नहीं है, बहुत पुरानी जेल है सिक्योरिटी के हिसाब से, और पड़ोसी जिलों को इसकी ज्यादा जरूरत है कि जेल बने छिंदवाड़ा में, तो मैंने स्वीकार किया कि छिंदवाड़ा में भी जेल बनेगी, एक नई जेल बनेगी, ऐसी जेल बनेगी जो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। तो हमारी जो विकास यात्रा है ये अंतहीन है, अंतहीन है, क्योंकि आगे का रास्ता भी बहुत लंबा। आज कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है, कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है, ये अस्पताल बनना था। अभी शुक्ला जी आपको बता रहे थे कितनी दफे मैं बैठा, कैसा बनाए, किस टाइप का बनाए, क्या स्टैंडर्ड होगा इस अस्पताल का। मुझे दुख होता था जहां मैं देखूं कहां है, कोई कहे कि मेरे परिवार में बीमारी है, मैंने कहां है, कहते नागपुर में, देखा ये सब लोग नागपुर जाते हैं, तो हम ऐसा अस्पताल बनाए कि नागपुर वाले छिंदवाड़ा आए, छिंदवाड़ा वालों को नागपुर नहीं जाना। और सुनील केदार जी आपके लिए तो सबसे ज्यादा फायदा होगा कि आपके लिए तो ये अस्पताल ज्यादा नजदीक पड़ेगा, नागपुर के अस्पताल दूर पड़ेंगे। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला जो था, ये आपके प्यार और आपके विश्वास ने मुझे ये बल और शक्ति दी, आपके प्यार और आपके विश्वास ने मुझे ये शक्ति दी कि ऐसा फैसला करे, ऐसा बड़ा फैसला कि ये देश के ये सबसे बड़ा एक अस्पताल हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बहुत बड़ा अस्पताल है। लोग कहते हैं एम्स जाएंगे, एम्स जाएंगे,
ऐसा भी समय आने वाला है कि लोग कहेंगे हम सिर्फ जाएंगे सिर्फ जाएंगे जाएंगे। 11 महीने हुए जब से राज्य में हमारी सरकार बनी, 11 महीने हुए जिसमें से 2.5 महीने तो आचार संहिता, 2.5 महीने लोकसभा का चुनाव, कितना समय बचा था बचे हुए समय में कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। छिंदवाड़ा वाले सब छिंदवाड़ा के लोग कहते हैं मेरा समय अब छिंदवाड़ा में कम जाता है, ये बात सही है कि जितना मेरा समय छिंदवाड़ा में था आज नहीं, कि मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और कैसा प्रदेश हमें सौंपा गया, ऐसा मध्य प्रदेश 11 महीने पहले हमें सौंपा गया क्या पूरे देश भर में किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा गया क्या बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा गया जहां महिला पर अत्याचार प्रदेश मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा गया। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी, तिजोरी खाली मैं नहीं कहता, ये तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मंत्री और नेता कहते थे तिजोरी खाली है कुछ नहीं हो पाएगा, याद है उनके ही बयान थे कि तिजोरी खाली है। इतनी बड़ी चुनौती थी हमारे कृषि क्षेत्र की, 70% लोग मध्य प्रदेश में उनका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर, हमारे किराने की दुकान जो गांव है उसका व्यापार चलता है, जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत हो क्रय शक्ति हो तभी किराने की दुकान चलती है, हमारे ब्लॉक और तहसील के बाजार चलते हैं जब किसानों के हाथ में कुछ ताकत हो। और कौन सी चुनौती, हमने कर्जा माफ का पहला इंस्टॉलमेंट शुरू किया, ये मैं नहीं कहता सबका कर्जा माफ हो गया, हमने कहा था हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, हम करेंगे, ये घोषणा नहीं थी ये वचन था, और हमने पहले किस्त में ये शुरुआत करी, अपने नियत और नीति का परिचय दिया, आगे आने वाले महीनों में भी ये कर्जा माफ बाकी लोगों का होने जाएगा। पर हमारे किसानों के साथ न्याय कैसे हुआ, हमारे किसानों के साथ न्याय कैसे हुआ, कर्जा तो माफ हो जाएगा पर किसानों के साथ न्याय उनको सही मूल्य कैसे मिले, ये चुनौती है। किसान अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति कैसे लाए, ये चुनौती है। हमें एक नया लक्ष्य बनाना है अपने कृषि क्षेत्र के लिए, ताकि हमारे 70% लोग मध्य प्रदेश के जिनका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर, उनका जीवन सुरक्षित रहे, हमारे युवा पीढ़ी हमारे नौजवान आज जो बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो अपना जीवन काट लिया, उन्होंने तो बिना बिजली के बिना पानी के बिना सड़कों के अपना जीवन काट लिया, पर नई पीढ़ी आज का नौजवान है जो इंटरनेट से जुड़ा है, गांव गांव में नौजवान इंटरनेट से जुड़ा है, उसका नजरिया कुछ और है, उसका दृष्टिकोण कुछ और है, उसकी दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में एक तड़प, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है, ये चुनौती है हमारे सामने पूरे प्रदेश में, और ये तभी संभव है जब निवेश है, निवेश तब आएगा जब मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास हो, निवेश तभी आता है प्रदेश में जब लोगों को विश्वास हो उस प्रदेश में, एक विश्वास का वातावरण बनाए ताकि लोग मध्य प्रदेश में निवेश लगे, औद्योगिकरण हुए, नए नए उद्योग आए, पिछले 15 साल में जितने उद्योग लगते नहीं थे उससे ज्यादा उद्योग बंद हो जाते थे, ये हालात थे, हमारे नौजवानों का जीवन अंधेरे, और यही नौजवान हमारे छिंदवाड़ा के नौजवान हुए, हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान हुए, यही निर्माण करेंगे हमारे मध्य प्रदेश का, और अगर इनका अपना जीवन अंधेरे में हो ये कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, कैसा निर्माण होगा अपना देश, बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, घोषणाएं हो सकती हैं, पर घोषणाओं से रोजगार के नए मौके नहीं बनेगा, घोषणाओं तो आपने 15 साल सुन ली,
पर दोस्तों से हम इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे तो ये सब चुनौतियां आज हमारे सामने पूरे प्रदेश पर हमारा निलाल हुए हमारा मालवा हुए हमारा बुंदेलखंड हुए हमारा दिंद हुए ये सब चुनौतियां आज हमारे सामने कैसे हम मध्य प्रदेश का एक नया नक्शा बनाए विकास का एक नया नक्शा बनाए ये हमारे सामने चुनौती है कैसी एक नई सोच कैसे व्यवस्था में परिवर्तन करें कैसी एक नई सोच एक नए नजरिए से हम मध्य प्रदेश को देखें इसका हमारा प्रयास है तो 11 महीनों में हम आगे बढ़े हम योजनाएं लाए तिजोरी खाली थी मैंने कहा कोई बात नहीं तिजोरी खाली है हम उसका भी इंतजाम करेंगे अभी अतिवृष्टि हुई भयंकर नुकसान हुआ प्रदेश भर में मुआवजा हम तो इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जैसे उन्होंने अन्य राज्यों को राशि दी है अन्य राज्यों की मदद करी है मध्य प्रदेश का भी मदद करेंगे पर अभी तक कोई राशि नहीं केंद्र से आज तो हमें जो करना है वो करना है तो ये सब चुनौतियां हमारे सामने मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं ये चुनौतियां मेरे सामने है सरकार के सामने है हमारे मंत्रिमंडल के सामने है हमारे सब जनप्रतिनिधियों के सामने है पर आपका विश्वास और आपका प्यार मुझे ये बल और शक्ति देता है कि हम इसका सामना कर पाएंगे और आपके प्यार और आपके विश्वास से हम एक नया इतिहास बनाएंगे मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे यहां उतना समय नहीं रहने के बावजूद भी आप याद रखेंगे कि मेरा और आपका संबंध मेरा और आपका संबंध कोई राजनीतिक संबंध नहीं है एक विधायक या सांसद का संबंध नहीं है आपने जैसे ये संबंध मुझे जो सौभाग्य दिया ये संबंध हमारा हमेशा के लिए बना रहेगा मुझे बल और शक्ति देता रहेगा और हम मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाएंगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री श्री नाथ ने परिवहन विभाग के अंतर्गत बालिकाओं को ड्राइविंग लाइसेंस एवं नगर पालिका निगम की लाभार्थी आवास योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया तथा नगर पालिक निगम द्वारा तैयार प्रदेश के पहले जीरो वेस्ट कैलेंडर का विमोचन भी किया 2020 के तहत नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा तैयार जीरो वेस्ट कैलेंडर का विमोचन यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आए साथ में मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभार्थी आवास योजना के अंतर्गत 1867 हितग्राहियों में से दो हितग्राहियों को अधिकार पत्र वितरण किए जाएंगे जिसमें नाम है रोशनी चौहान शफी मोहम्मद कृपया मंच पर आए आदरणीय श्री राजेश शाही सर अपर कलेक्टर प्रभारी अधिकारी छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना आभार आपके समक्ष प्रकट खबरों के सप्ताह विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा आप देखते रहिए सटी हलचल Joins the league of thrill machines.
जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और आगे बढ़ते हैं खबरों में। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में इन दिनों खेल एवं युवक कल्याण विभाग के तत्वावधान में खेल गतिविधियां प्रारंभ है। इसी क्रम में पुलिस ग्राउंड में हॉकी चैंपियनशिप के अंतर्गत सेंट्रल स्कूल और क्रिश्चियन क्लब के बीच रोमांचक मैचेस खेले गए। बारिश के लंबे दौर के बाद अब मौसम बदला है। दिन में तपिश है और रात में सर्दी बढ़ी है। ऐसे में मौसमी परिवर्तन से होने वाली बीमारियां और मच्छर द्वारा संचारी रोगों के मरीज भी बढ़े हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव ने बचाव और उपचार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की हैं। अभी इस वक्त मच्छर जनित रोगों का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा है, क्योंकि ये जो मौसम होता है जिस प्रकार से भी चल रहा है, बरसात खत्म होके जस्ट ठंड लग रही है, तो इस तरह के मौसम में अचानक मौसम परिवर्तन होने में बहुत सारे रोग उभरते हैं, और खासतौर पर मच्छर जनित रोग अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि मच्छर जनित रोगों में मुख्य रूप से, वैसे तो कई प्रकार के रोग मच्छर फैला सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मच्छरों जनित रोग में अभी डेंगू और मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा है। और मलेरिया जैसा आप लोग जानते ही हैं, उसी प्रकार से डेंगू का भी अभी प्रकोप काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू जो रहता है, इसमें जो मच्छर रहता है, डेंगू का जो मच्छर रहता है, जो कि टाइगर मॉस्किटो इसको साधारण भाषा में कह देते हैं, क्योंकि उसमें पट्टियां रहती हैं शेर की धारी की तरह, इसलिए उसको ऐसे टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। जो उसका वैज्ञानिक नाम है वो तो एडीज एजिप्टी है, लेकिन उस पर इतना जानने की जरूरत नहीं। तो ये जो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, जो एडीज एजिप्टी मच्छर है या टाइगर मॉस्किटो है, ये जनरली देखा गया है कि सफ़ेद, यानी कि साफ पानी जो रहता है उसमें रहता है, दूषित पानी में नहीं रहता है, ठीक है, वहीं पर पनपता है, दूषित पानी में नहीं पनपता। तो उस वहाँ के उसके पनपने के कारण, ये उनके काटने के कारण डेंगू रोग हो जाता है। अब डेंगू जो है ये वायरस जनित रोग है, जो वायरस रहता है डेंगू का, ये जब बीमार किसी डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को जब मच्छर काटता है, एडीज मच्छर, और वही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो उसके द्वारा वो वायरस स्वस्थ व्यक्ति से बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है, और उससे डेंगू फैलता है। इस प्रकार से मच्छर के द्वारा डेंगू फैल जाता है। अब अगर हम लक्षणों की बात करें, तो
तो लक्षणों में डेंगू में एक तो बुखार, सर्वप्रथम बुखार, सेकंड हाथ पैर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, और सर में और खासतौर पे आंखों के पीछे, ये एक अलग प्रकार का लक्षण है जो डेंगू की थोड़ी पहचान बना देता है, आंखों के पीछे दर्द होता है जिसको हम लोग रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में रेट्रो ऑर्बिटल पेन मतलब आंखों के पीछे दर्द होना, तो ये एक उसका विशेष लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण, और हालांकि डेंगू ऐसी बीमारी है जो और भी कई प्रकार के लक्षण धारण कर सकती है, लेकिन यह मेन लक्षण इसके रहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को बुखार, तेज बुखार आ रहा हो, साथ पैर, साथ में हाथ पैर हो, जोड़ों में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, पेट दर्द वगैरह हो रहा हो, तो और उस साथ में कोई और दूसरे जैसे सर्दी खांसी नहीं है या कोई और तकलीफ नहीं है, सिर्फ बुखार आ रहा है इस प्रकार के दर्द वगैरह के साथ, तो फिर तुरंत जांच डेंगू की करवाना सही रहता है। डॉक्टर को दिखाएं और डेंगू की जांच अगर जरूरत है तो करवा लें, क्योंकि डेंगू कई बार ऐसा रहता है कि बुखार आ रहा है, तेज हाथ पैर जोड़ों में दर्द हो रहा है, और वो ठीक तरीके से डायग्नोस नहीं हो पाता, अनडायग्नोस हो जाता है। डेंगू के साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, डेंगू जैसे रोग भी होते हैं, डेंगू होता है एक, होता है DLI मतलब डेंगू लाइक इलनेस। डेंगू लाइक इलनेस भी डेंगू की तरह ही बीमारी है, लेकिन अंतर यह है कि डेंगू जो होता है प्रॉपर उसमें जब आप जांच कराएंगे तो वो जांच पॉजिटिव आएगी, और डेंगू लाइक इलनेस में जब डेंगू की जांच करते हैं तो नेगेटिव आएगी, लेकिन दोनों का जो लक्षण है वो एक जैसा रहता है। ठीक है, अब जो डेंगू रोग है इसकी पहचान लक्षणों के आधार पर करना है, दूसरी जांच होती है इसकी, NS1 एंटीजन की जांच की जाती है, IgG IgM और NS1 एंटीजन की जांच की जाती है, इन जांच के द्वारा हम डेंगू को कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा डेंगू में जो लक्षण होते हैं इनमें एक बहुत लक्षण विशेष होता है, इसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। जब हम ब्लड की जांच करते हैं, खून की जांच करते हैं, तो उसमें प्लेटलेट कण, रक्त में प्लेटलेट कण होते हैं, उनकी संख्या कम होने लगती है। जरूरी नहीं कि हर बार कम हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में कम होने लगती है, और यदि यह बहुत ज्यादा कम हो जाए तो उससे काफी खतरनाक स्थिति बन सकती है जो जानलेवा होती है, जैसे क्योंकि प्लेटलेट जो है हमारे शरीर में खून का थक्का बनाने का काम करते हैं, प्लेटलेट होने के कारण ही हमारे शरीर में खून अपने आप बह नहीं रहा है, जो अपने शरीर में कहीं पे भी चोट लगने में तुरंत खून बंद होता है वो प्लेटलेट कण के कारण होता है। यदि इनकी संख्या ज्यादा कम होने लगे तो उस कारण से क्या होगा, शरीर में से कहीं से भी खून आने लगेगा, जैसे पेशाब में खून आने लगेगा, टट्टी में खून आ सकता है, काली टट्टी हो सकती है, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। तो प्लेटलेट की संख्या भी बहुत तेजी से कम होती है, और यही एक बहुत घातक स्थिति बनती है। अब डेंगू के जो, अब इसमें अपन ज्यादा वैज्ञानिक उस पर ना जाते हुए ये देखना चाहिए कि हम बचे कैसे बीमारी, वो ज्यादा जरूरी है। उपचार तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे वही करेंगे, लेकिन आपको बचना कैसे है, तो बचने के लिए आपने को डेंगू हो चाहे मलेरिया हो, मच्छरों से हो रहा है, चिकनगुनिया भी मच्छरों से हो रहा है, तो मच्छरों से बचाव बहुत जरूरी है। अब मच्छरों से बचाव में अपने को सबसे जरूरी चीज ये है कि अपन सबसे पहले तो जो अपने आसपास, घर के आसपास की जगहों पर पानी इकट्ठा ना हो, बाल्टियों में बहुत पुराना पानी हो तो उसे फेंक दें, कूलर अगर चालू हो, कूलर अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं उसमें पानी भरा रखा है कई दिनों से, सबसे ज्यादा कूलर में ही पलटते हैं तो वो उसका पानी फेंक दें। इसके अलावा टायर, पुराने टायरों में या पेंट के डब्बों में या किसी भी चीज में पानी इकट्ठा ना होने दें, एक बात। सेकेंड बात यह है कि अपने आसपास पूरी साफ सफाई रखना है, साफ सफाई अच्छी रखना है, चीजें कचरा इकट्ठा नहीं होने देना है। तीसरी बात, मच्छरदानी का प्रयोग सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छे बचाव बिना किसी केमिकल का देता है, तो मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। डेंगू का मच्छर जो है ये दिन में भी काट सकता है आपको, और दिन में भी, इसलिए दिन के समय भी मच्छरों से बचना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शाम को मच्छर से बचे, दिन में भी बचना है मच्छरों से। और मच्छर से बचने के लिए अपन कुछ ओडोमास तरह की क्रीम वगैरह का प्रयोग भी कर सकते हैं, इस प्रकार की क्रीम लगाना भी ठीक रहता है, लेकिन मच्छरों को भगाने के लिए नीम का धुआं करना या इस प्रकार का धुआं करना, कई बार छोटे बच्चों को उससे परेशानी हो जाती है, तो उससे बचें और मच्छरदानी का प्रयोग या दूसरे अन्य उपाय ज्यादा अच्छे रहेंगे इसके लिए। इसके अलावा यदि डेंगू के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, ब्लड की जांच करवानी है CBC की, जिसमें प्लेटलेट कण की संख्या देखी जाती है, और बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, मच्छरों से अगर अपन बच गए तो बहुत अच्छा। और इसके अलावा क्या आपको करना है, आप जब बाहर जाएं घर से तो फुल आस्तीन के कपड़े पहने, जिससे कि मच्छरों का आपके प्रकोप कम से कम हो पाए, और मच्छरों से बचेंगे तो डेंगू से भी बचाव हो जाएगा। जैसे बोलते हैं हिंदी में कहावत है कि बचाव बेहतर है इलाज से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब इन तमाम खबरों को समेटते हैं, देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, हवाई पट्टी पर हुआ हार्दिक स्वागत। शिकारपुर में सीएम कमलनाथ ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात, कार्यकर्ताओं ने केक काटकर शुभकामनाएं दी। छिंदवाड़ा को मिली 1750 करोड़ की सौगातें, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा विकास कार्यों के लिए सीएम ने किया भूमि पूजन। और खूबसूरत और व्यवस्थित हुआ तिराहा, इंदिरा पथ पर शानदार स्मारक बना, सीएम ने किया प्रतिमा अनावरण। इस बुलेटिन में खबरों का सवाल फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए उन्नति, नमस्कार।